मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जो महागठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने साजिश करवाकर मुख्तार अंसारी की हत्या करवा दी है जेल में। क्या कहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के बिहार प्रदेश इकाई के फॉरफ्रंट प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह जी। क्या कहेंगे इस पर राकेश जी, क्या तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह, सभी लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने मुख्तार अंसारी को साजिश कर जेल में हत्या करवा दी है आपकी पार्टी ने? देखिए, एक कविता है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, सबको जाना है और ये जाने की विधि अलग है, जाने के रास्ता अलग है, लेकिन सबको एक दिन जाना है। जो आया है इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव जंतु चाहे मनुष्य क्यों ना हो, जो आया है उसको जाना है। जहाँ तक सवाल है कि आज जो ये लोग हंगामा मचा रखा है, चुनाव आया है और चुनाव में वोट की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते ये लोग मुख्तार अंसारी के निधन पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देश की जनता सब जानती है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि फेलियर हो गई आपकी जो योगी सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, वो पहले से वो आरोप लगा रहे थे कि उनको खाना में ही जहर दिया जा रहा है, तो आखिर इस तो लैंड ऑर्डर का बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला ना? देखिए, इस तरह की बात उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी या तो भाग जाओ या सुधर जाओ या जमीन के अंदर जाओ, जमीन के अंदर चले जाओ, तीन रास्ता बताएं। तो उत्तर प्रदेश के जो शासन है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो कभी भी इस प्रकार की गलत काम नहीं कर सकते हैं। दरअसल बात क्या है कि सफाई देने का वक्त नहीं, वक्त ये है कि आखिर हंगामा क्यों बढ़पा है। हंगामा इसलिए बढ़पा है कि ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो वोट की राजनीति के चलते मुख्तार अंसारी कर रहे हैं। किसी को मुख्तार अंसारी से लेना देना नहीं है, किसी को आजम खान से लेना देना नहीं है, किसी को साहबुद्दीन से लेना देना नहीं है, लेकिन वोट की राजनीति में इस प्रकार के दुर्दांत लोगों को, तुष्टिकरण की राजनीति में इस प्रकार के दुर्दांत माफिया के लोगों का नाम लेकर लोगों में भय पैदा करने का, सिहरन पैदा करने का काम कर रहे हैं, जिससे लोग भयभीत होकर हमको वोट करें। देश की जनता ने तय कर लिया है, इस बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार, और मैंने पहले ही कह दिया कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, सबको एक दिन जाना है, लेकिन जैसा कर्म किया है उसको भुगतना भी पड़ेगा। सनातन धर्म में तो ये भी कहा गया है कि अगर इस जन्म में बहुत पाप किया है और गलती से अगर आराम से चले गए तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो अंसारी साहब चले तो गए जरूर, लेकिन जितने लोगों की हत्या कराई उनको अगले जन्म में भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो बड़ी बात, राकेश कुमार सिंह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पटना में प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कह दिया और साफ कह दिया कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में गलत काम नहीं होता है। जो महाराज जी हैं, सुशासन बाबू के प्रतीक हैं, वहाँ किसी की हत्या की साजिश योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में नहीं की जा सकती है। वो सुशासन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की वहाँ सरकार है। लेकिन बड़ी बात मुख्तार अंसारी पर भी कह दी, मुख्तार अंसारी के नाते मुख्तार अंसारी को सपोर्ट कर तुष्टिकरण की राजनीति, वोट की राजनीति, जो अखिलेश यादव बिहार में, तेजस्वी यादव सभी उनके जो निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और अपनी घड़ियाल आंसू बहा रहे हैं, बड़ी बात है राकेश कुमार सिंह ने कह दिया कि उनके वोट तुष्टिकरण की जो राजनीति है इसके कारण ही उनका सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक बात जोड़ दिया, कह दिया कि मुख्तार अंसारी ने जितने लोगों की हत्या करवाई है उसका इस जन्म में नहीं, सनातन का उदाहरण देते हुए कह दिया अगले जन्म में भी उनको वहाँ हिसाब चुकाना होगा। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र पटना से।